दोस्तों, एक इंडियन चैनल पे स्वागत है सभी दर्शकों का। और आज हम अब यहाँ पे पहुँचे हैं एसपी ऑफिस के सामने। यहाँ पे कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। जिस तरह से कोई भी तरह का कोई अनशन है, आंदोलन है, एक ग्रुप के रूप में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि एक लेडी यहाँ पे बैठी हुई है और पूरा एक इकलौती लेडी यहाँ पे धरना दे रही है। तो ये वजह हम जानेंगे कि धरना देने की क्या वजह है, क्यों यहाँ पे अकेली बैठी हुई है। तो बात करते हैं इन्हीं से। नमस्कार जी, जैसे आज आप यहाँ पे बैठे हैं धरने पे एसपी ऑफिस के सामने, तो क्या वजह है, आप क्यों बैठे हैं? देखिए, मैं एक सामूहिक बलात्कार की पीड़िता हूँ। अच्छा, गैंग रेप की। अच्छा, ये 376D जी। एक महीने पहले मेरी FIR दर्ज हुई थी जी। 4 महीने से मैं यहाँ के चक्कर लगा रही हूँ। मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा जी। मैंने DGP क्राइम ब्रांच हरियाणा को पत्र लिखा, DGP हरियाणा को, प्रधानमंत्री ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को, राष्ट्रीय महिला आयोग को। वो जो सारे पत्र थे वो ऊपर से रेफर हो के SP जींद, और SP जींद से फिर यहाँ पे DSP पुष्पा खत्री के पास आए जी। 4 महीने से मैं यहाँ के चक्कर लगा रही हूँ, कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है। जैसे कैसे जब CM मुख्यमंत्री से इन जवाब मांगा गया तो इन लोगों ने मेरी FIR दर्ज करी। FIR दर्ज करे हुए आज 1 महीना हो गया। FIR दर्ज करने से पहले DSP पुष्पा खत्री मैडम ने कहा कि मामले की जांच होगी, 376 का मुकदमा हम ऐसे दर्ज नहीं करेंगे। मैंने कहा कि बिल्कुल आप मामले की जांच करिए। DSP पुष्पा खत्री ने 25 दिन तक मामले की जांच की, अगेंस्ट पार्टी को बुलाया, मेरे को बुलाया, और उन्होंने अपनी ये लिखा हुआ है कि जाँच में पाया गया कि ये बलात्कारी जो आरोपी हैं, जो लड़की ने मुकदमा करवाना चाहती है, वो सच्चा है और इसकी FIR की जाए जी। उसके बाद ये 24/9/2020 को मेरी FIR जुलाना थाना में लॉन्च हुई जी। जब से 1 महीना हो गया है मेरी FIR को, DSP पुष्पा खत्री ने ये केस रेफर कर दिया DSP कप्तान सिंह जी को जी। 376 में हमारा संविधान बेटी की सुरक्षा के लिए ये कहता है कि 376 लगते ही जो बलात्कारी है उनको हिरासत में लिया जाए और उसके बाद जांच की जाए। और आज 1 महीना हो चुका है बलात्कारियों को यहाँ बुलाया जाता है। DSP कप्तान सिंह जो हैं वो अपने मामा को एजेंट बना के यहाँ पैसे लेते हैं। DSP कप्तान सिंह का रीडर मेरा हाथ मरोड़ के मेरे साथ बदसलूकी करता है। जो केस की IO है ASI नीलम, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे को धमकाती है, डराती है कि हमें क्या मतलब है, तेरे साथ रेप हुआ है, हम नहीं जानते रेप हुआ है, हम कार्रवाई नहीं करेंगे। जब मैं परसों यहाँ पे धरने पे बैठी, मैंने एक बूंद पानी की नहीं पी। इन लोगों ने मेरे साथ गेम प्लानिंग करी, बोले कि आज धरने पे से उठ जाओ, हम 2 दिन बाद बलात्कारियों को गिरफ्तार कर लेंगे। जब इन्होंने, मैंने एप्लीकेशन में लिखा है कि भाई 50 लाख रुपए भी ले रखे हैं दहेज में, उन्होंने ले रखे हैं, मेरे बाप ने लगा रखे हैं। इन्होंने गेम प्लानिंग करके जब सोमवार को बलात्कारी आए थे, DSP कप्तान सिंह ने अपने मामा को एजेंट बना के बलात्कारियों से पैसे का बैग लिया, जिसमें DSP कप्तान सिंह का रीडर भी साथ है और ASI नीलम भी साथ है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं DSP कप्तान सिंह से पूछने लगी हाथ जोड़ के कि साहब मेरे को न्याय मिलेगा, क्या बलात्कारी गिरफ्तार होंगे, 1 महीना जांच चल रही है। जबकि एक बलात्कार की जांच में सबसे पहला कदम क्या होता है, लड़की का मेडिकल कराया जाता है। आज मेरी FIR सामूहिक बलात्कार के FIR को 1 महीना हो चुका है, किसी ने मेडिकल के लिए मुझे पूछा भी नहीं है। बाद में इस चीज़ का जिम्मेदार कौन होगा, 164 के बयान के लिए किसी ने पूछा भी नहीं है, बाद में इस चीज़ का जिम्मेदार कौन होगा। मैं न्याय मांगती मांगती बिल्कुल थक चुकी हूँ, और आज मेरी ये डिमांड है, अगर ये लोग नहीं करेंगे उनको अरेस्ट, तो खुद को यहीं आग लगा के मरूंगी। और उस चीज़ का जिम्मेदार है DSP कप्तान सिंह, DSP पुष्पा खत्री, और ये है ASI नीलम। तो जब मैं परसों इन्होंने मेरे को धरने पे से उठाया, तो इन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप आज उठ जाइए, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हम बलात्कारियों को गिरफ्तार कर लेंगे, कि आप हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। इन्होंने मुझे कर दिया गुमराह। मैंने कहा ठीक है मैडम, आप बड़े अफसर हो, अगर आप लोग कह रहे हो कि भाई बलात्कारी गिरफ्तार हो जाएंगे तो मैं उठ जाती हूँ। इन्होंने 498A का चलान पेश किया बलात्कारियों के साथ सेटिंग करके, जिसमें तुरंत प्रभाव से उनकी जमानत हो जाती है।
आईओ ने फटाफट उनकी जमानत करवाई, उनका चाय पानी किया, उनको भेज दिया। जबकि मैं अपने बयानों में ये कह रही हूँ कि दहेज मैं इतना ही और दे दूंगी, मेरे को पैसा नहीं, मेरे को अपनी इज्जत का हिसाब चाहिए। बलात्कारी कौन थे? बलात्कारी है जो मेरा पति है उसका चाचा, जिसमें मेरा पति शामिल है, और ये जो षड्यंत्र रचा गया है ये उसकी चाची, मेरा जो पति है उसका अपनी, वो अपनी चाची को भाभी बोलता है, और उसका भी अपनी जो चाची के साथ हो नाजायज रिश्ता है। तो मेरे पति ने कहा कि मैं तो अपने चाचा से हर एक चीज़ शेयर करता हूँ, वो बिल्कुल हमउम्र हैं एक दूसरे के साथ, तो मेरे चाचा ने भी मेरी चाची को मेरे साथ शेयर किया है, तो तुझे ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। जब मैंने इस बात का विरोध किया तो मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। तो आप धरने पे बैठे हो? धरने पे बैठे यहाँ पे एसपी ऑफिस। हाँ, आज ये पक्का है अगर आरोपी बलात्कारी गिरफ्तार नहीं हुए तो मैं सारे चैनलों के माध्यम से एक बात ये बताना चाहती हूँ, अगर मैं मरती हूँ या खुद को सुसाइड अटेम्प्ट करती हूँ तो उसको सुसाइड ना माना जाए, उसको एक हत्या माना जाए। एक बेटी मजबूर है अपनी इज्जत आवरू खोने के बाद सुनवाई ना होने पर पुलिस के अमर्यादित रवैये, डीएसपी कप्तान की बदसलूकी, पुष्पा खत्री की गेम प्लानिंग, डीएसपी पुष्पा खत्री का बिकाऊपना, डीएसपी कप्तान सिंह का बिकाऊपना, एसआई नीलम का दबाव, इन सब को मेरी मौत का, मेरी हत्या का जिम्मेदार माना जाए। और अगर आज बलात्कारियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो मैं आज शाम को यहीं पे अपने आग लगा के खुद का आत्मदाह करूंगी। ये मामला कितना पुराना है? ये मामला सर मेरी एफआईआर तो एक महीने पहले हुई है। अच्छा। हाँ, तो अभी आपके साथ आपके परिवार वाला कोई नहीं आया हुआ? परिवार वाला ये लोग इन्होंने परसों मेरे ऊपर लाठीचार्ज किया है, ये परिवार को कैसे बख्शेंगे? मेरे माँ बाप जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इस सदमे से उभर नहीं पा रहे कि हमारी बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ, क्या हर निर्भया को मरने के बाद ही उसकी सुनवाई होती है क्या? क्या हर निर्भया की मरने के बाद ही सुनवाई होती है क्या इस देश में? निर्भया को मरना ही क्यों पड़ता है न्याय लेने के लिए? निर्भया को जीते जी क्यों नहीं न्याय दिया जाता? जो आपके परिवार जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं उनमें और भी सदस्य रहते हैं घरवाल परिवार में, किसी ने आपका साथ नहीं दिया? साथ नहीं दिया सर, मैं समझी नहीं। जैसे मम्मी पापा आपके साथ, ससुर है और भी सब, उनका एक ही खिचड़ी, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं वो, उनका मतलब वो अजीब ही तरह के लोग हैं। इस बलात्कार में सब शामिल थे, उसकी चाची ने तो मेन षड्यंत्र रचा था, क्योंकि वो तो है ही है, उसकी चाची का तो है ही ये, तो जैसे वही उसको लगा कि हाँ ये पढ़ी लिखी लड़की है, एक अच्छे साफ चरित्र वाली लड़की है, तो क्यों ना इसको भी मेरे जैसा बनाया जाए। और जब इस बात का विरोध किया तो मेरे को जान से मारने की कोशिश हुई, मैं अपने घर पर आई, मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। जब मेरे बाप ने मेरे से पूछा कि बेटा तेरे साथ ऐसा क्या हुआ जो तू आज इस हद तक आ गई कि मेरी पढ़ी लिखी बेटी आज सुसाइड कर रही है, तब मैंने अपने पापा को बताया कि पापा ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे सामूहिक बलात्कार किया शादी के बाद। जब प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा, डीजीपी क्राइम ब्रांच को लिखा, डीजीपी हरियाणा को लिखा, मुख्यमंत्री जी को लिखा, जब कहीं जाके इन लोगों ने मेरी एफआईआर लॉन्च की, लेकिन एफआईआर लॉन्च करके एक टुकड़ा ही दिया मेरे को, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, और मेरे को कहते हैं मर जा बेशक कुछ भी कर ले। और मैंने कहा कि क्या आप लोगों ने रिश्वत ली है तू क्या कर लेगी? डीएसपी कप्तान का ये रवैया है मेरे साथ। डीएसपी कप्तान सिंह के रीडर ने चुटकी बजा के मेरे को ये कहा, बलात्कारी गिरफ्तार नहीं होंगे, तेरी नहीं चलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि बलात्कारियों की चलेगी क्या? मेरे को भी आर्थरस की तरह, या फिर दिल्ली निर्भया के जब मैं मर जाऊंगी, जब इन लोगों को ये होगा कि आरोपियों को हिरासत में लो, बलात्कारियों को हिरासत में लो, जीते जी क्या मेरी कोई सुनवाई नहीं होगी? तो मैं माननीय जो आपके चैनल के माध्यम से जो माननीय अनिल विज जी हैं, जो काफ़ी न्यायप्रिय हैं, उनके सामने ये कहती हूँ कि सबसे पहले तो बलात्कारियों की गिरफ्तारी हो, उसके बाद जो ये डीएसपी कप्तान भेड़िया है, ये डीएसपी पुष्पा खत्री जो की सेटिंग से पेपर करके यहाँ पे डीएसपी बनी बैठी है, इसको यही नहीं पता कि एक लड़की का जुडक्शन एरिया, आज ये मेरे को क्या बोलते हैं, 4 महीने बाद आपका जुडक्शन एरिया नहीं बनता। अगर जुडक्शन एरिया नहीं बनता तो एफआईआर लॉन्च कैसे हो गई 376D की? और फिर इनको आज 4 महीने बाद ही ये कैसे पता चला कि यहाँ पे मेरा जुडक्शन एरिया नहीं बनता? ये 4 महीने पहले भी तो मुझे कह सकते थे कि यहाँ पे तेरा जुडक्शन एरिया नहीं है। क्या पैसों के साथ जुडक्शन एरिया चेंज कर दिया इन लोगों ने?
क्या उनके पैसे इतने हावी हो गए कि इन्होंने एक बेटी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। लेकिन मैं हार नहीं मानने वाली, अगर न्याय नहीं मिला तो मेरी हत्यारा होगा डीएसपी कप्तान सिंह, डीएसपी पुष्पा खत्री, एएसआई नीलम, जो मेरे को गंदी गंदी गालियां देती है कि क्या है तेरे साथ। एक बात बताओ, एक लड़की कब, जब वो लास्ट स्टेज पे पहुंच जाती ना, जब ये बोलती है मेरे साथ रेप हुआ है, किसी लड़की के ये बोलना अपने मुंह से बहुत भारी भरकम बात है, अपनी इज्जत। और फिर कहते हैं कि डीएसपी कप्तान सिंह ने मेरे का दे लेके फैसला कर ले, कोई उनसे पूछे कि इज्जत की कीमत क्या होती है, इज्जत की एक लड़की एक बेटी की इज्जत की कीमत क्या होती है, क्या इसी चीज़ के लिए वो डीएसपी बनाया गया है, क्या उसका माई बाप सिर्फ पैसा ही है, खुद तो ले दे के सब कुछ सेटिंग करता ही है, मेरे को भी कहता है कि ले दे के कर ले। अपना नाम जी? अंजू। कहाँ से आप? जुलाना से। प्रॉपर जुलाना से? हाँ। ठीक है जी, देखो आपने देखा कि एसपी ऑफिस के सामने ये महिला बैठी है और अकेली बैठी है और एक तरह से अनशन यहाँ पे करती हुई, आंदोलन करती हुई, तो इसके बारे में हम किसी प्रशासनिक अधिकारी से भी बात करेंगे कि क्या ये मामला क्या है। यहाँ से हमने इनकी राय ली तो वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी से भी बात करके हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। मैं आपका अपना भाई अनिल राणा, जय हिंद। जुलाना थाने में एक FIR रजिस्टर की गई थी जिसमें मुद्दिया द्वारा दहेज प्रताड़ना, मानसिक शारीरिक प्रताड़ना और ससुराल जनों में गैंग रेप का भी आरोप लगाया गया था। तो उसमें पुलिस ने आगे कार्रवाई करते हुए अपना 498A 323 506 के तहत दहेज प्रताड़ना के तहत पति, सास और ससुर के खिलाफ कार्रवाई की है, उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया था। जो है सेक्सुअल असॉल्ट का मामला दर्ज हुआ था उसमें इस संबंध में दिल्ली इन्हीं तरह के आरोप लगा के दिल्ली में भी FIR रजिस्टर्ड है और उसके जो बाकी आरोप लगाए गए हैं उसके अलावा उसके बारे में दिल्ली पुलिस के साथ भी पत्राचार किया जाए। रिमला का रजिस्टर हुआ तो उनका कहना है कि जो प्रशासन है उन्होंने कोताही बरती है मामले के अंदर। नहीं, जैसे कि उन्होंने हमें पहले जांच के दौरान भी हमारे नोटिस में आया था कि इस संबंध में दिल्ली में भी FIR दर्ज है, तो हमने जो उन्होंने उसके अलावा जो भी अन्य आरोप लगाए थे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि दहेज प्रताड़ना, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, तो उनके तहत और जो भी उन्होंने आरोप इसके भी लगाए थे, रेप के भी लगाए थे, तो हमने FIR रजिस्टर करवा दी थी और उसके बाद उसकी जाँच के दौरान जैसे तथ्य सामने आए उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की गई। क्योंकि हमें पता था कि इसके बारे में ये हमारे पहले भी जांच में हमारे आया था कि पहले उस दिल्ली में कुछ कार्रवाई चल रही है, तो हम वहाँ से रिकॉर्ड एक बार ले रहे थे कि वहाँ पे अगर ऑलरेडी केस रजिस्टर्ड है तो हम जो है इसके बारे में छेड़खानी वगैरह के आरोप लगा के वहाँ पे FIR दर्ज करवाई गई। जी, थैंक यू।